Hello friends, in today's video we will be going to discuss about the different classification of business activities. In the earlier video only we discussed about what are the types of human activity, that is economic activities and non-economic activities. Now in this video we will be going to discuss about what are the different types of business activities, that is what is industry and what is commerce. और स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रीज से. सबसे पहले बिजनेस एक्टिविटीज क्या है. बिजनेस एक्टिविटी हर वो एक्टिविटी है जो आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हो. बिजनेस एक्टिविटी मींस ऑल दोज एक्टिविटी व्हिच आर परफॉर्म टू अर्न लिवलीहुड और टू डे लाइफ. मनी आना चाहिए. अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप पैसे कहां से लाओगे. तो लाओगे ना दो जगह से लाओगे. पहला इंडस्ट्री से और दूसरा कॉमर्स से. आपको ये जानना होगा कि व्हाट इज द मेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. तो इंडस्ट्री मींस व्हेन द रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन. यहां जितनी भी इंडस्ट्रीज होगी सब की सब फाइनल कंजम्पशन की बात कर रही होगी. फाइनल कंजम्पशन का मतलब प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना. अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए यहां पर दो एक्टिविटीज है. पहली है इंडस्ट्री और दूसरी है कॉमर्स. इंडस्ट्री क्या करेगी. इंडस्ट्री चीजों को बनाएगी, मैन्युफैक्चर करेगी डिफरेंट तरीकों से और ये प्रोड्यूसर्स हैं. और कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम है कॉमर्स का. कॉमर्स क्या करेगा. कॉमर्स कंज्यूमर के डोर स्टेप तक गुड्स को पहुंचाएगा. तो लेट अस डिस्कस इंडस्ट्री इन ब्रीफ. नंबर वन, इंडस्ट्री कैन बी थ्री टाइप्स. प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज. प्राइमरी इंडस्ट्रीज है क्या. प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज है जो बेसिकली पूरी तरह से रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट है या ये रॉ मटेरियल जनरेटर है. ये सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा देती है. कहां से आइए देखते हैं. प्राइमरी इंडस्ट्रीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स. नंबर वन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड नंबर टू जेनेटिक इंडस्ट्री. ये दो तरह की इंडस्ट्रीज है. एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन मतलब कुछ निकालना. वी आर एक्सट्रैक्टिंग समथिंग फ्रॉम वेयर. कहां से निकालोगे. ऑब्वियसली हमारे पास नेचर है, बहुत बड़ा नेचर हमारे पास है. इस नेचर से हम लोग निकालेंगे माइंस से कोल, गोल्ड, डायमंड, मिनरल्स, फिशिंग ओशंस और सीज से, टिम्बर फॉरेस्ट से. इसका मतलब समझ गए होंगे. नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करके निकाल रहे हैं. कहां से. मदर अर्थ से, धरती मां से और फॉरेस्ट से, हवा से, जहां से आप जो निकाल सकते हैं ये सब एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री के अंदर आएगा या एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री से आएगा. प्राइमरी इंडस्ट्री का दूसरा पार्ट है जेनेटिक इंडस्ट्री. अब ये जेनेटिक इंडस्ट्री करता क्या है. तो जेनेटिक इंडस्ट्री दो काम करता है. पहला रिप्रोडक्शन और दूसरा डेवलपमेंट. किसका. दो लोगों का. एक तो एनिमल्स का और एक प्लांट्स का. नर्सरी, डेयरी फार्मिंग, यहां से दूध, अंडे, मीट, लेदर, जितने भी प्रोडक्ट हैं सब जेनेटिक इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है. जेनेटिक इंडस्ट्री में याद रखना व्हाट वी आर डूइंग. वी आर रिप्रोड्यूसिंग एंड डेवलपिंग एनिमल एंड प्लांट. एग्जाम्पल डेयरी, पोल्ट्री फार्म एंड लेदर कॉर्पोरेशन बोल सकते हैं. ठीक है. जानवरों से और प्लांट से आप जो भी कर सकते हैं वो जेनेटिक इंडस्ट्री के पार्ट में आता है. आपको या तो रिप्रोडक्शन करना है या डेवलपमेंट करना है. प्राइमरी इंडस्ट्री बेसिकली रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा देता है. किसको. सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को. सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में भी दो पार्ट है. दैट इज नंबर वन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड नंबर टू कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री. ये मेजर काम हो रहा है. मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. हम यहां पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं चार तरीकों से. नंबर वन एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबली इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग चार तरीके से होती है. आज हम उससे समझ सकते मैन्युफैक्चरिंग मीन्स वॉट.
conversion of raw material into finished goods is known as manufacturing. But manufacturing भी चार type है, that is analytical. Analytical means what? Analytical का मतलब है आप एक ही प्रोडक्ट से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. जैसे ओशन से हम निकालते हैं क्रूड ऑयल, और इस क्रूड ऑयल से डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, ऑटोमोबाइल इंजन ऑयल्स एंड मेनी थिंग्स वी क्रिएट फ्रॉम सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज क्रूड ऑयल. तो ऐसी इंडस्ट्रीज जहां से एक रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके आप डिफरेंट डिफरेंट फिनिश गुड्स बना सकते हैं, इसको एनालिटिकल इंडस्ट्रीज बोलते हैं. नंबर नेक्स्ट, सिंथेटिक इंडस्ट्री. सिंथेटिक इंडस्ट्री एनालिटिकल इंडस्ट्री का ठीक अपोजिट है. कैसे? सिंथेटिक इंडस्ट्री बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे रॉ मटेरियल के कंपोनेंट्स को एक करके एक प्रोडक्ट बनाती है. जैसे सोप, पेंट्स, कॉस्मेटिक्स, ये सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स का इस्तेमाल कर रही हैं, और ऐसी इंडस्ट्रीज को सिंथेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं, जहां पे हम सिंथेसाइज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को. प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एक ही रॉ मटेरियल को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो या फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो, उस पर प्रोसेस कर करके हम लोग एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं. कैसे? शुगर केन, शुगर केन से बनती है जैगरी, और जैगरी से बनता है शुगर. तो ये पूरी प्रोसेसिंग शुगर इंडस्ट्री में होती है. तो शुगर इंडस्ट्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है. पेपर, टिम्बर से वुड, वुड से पेपर इज अगेन अ प्रोसेस, एंड दैट इज व्हाट इज अ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. एंड लास्ट, असेंबली. असेंबली क्या है? डिफरेंट डिफरेंट फाइनल कॉम्पोनेंट्स को जब हम लोग एक जगह जमा करते हैं, दैट इज कॉल्ड असेंबली. बेस्ट एग्जाम्पल, मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स, बाइक्स, कार्स, ट्रक्स, बसेस, मशीन्स, मोबाइल फोन्स, ये सारी चीजें हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करके बनाते हैं. एंड दीज काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज आर नोन एज असेंबली इंडस्ट्रीज. बच्चों, प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर द इंडस्ट्रीज विच इंक्लूड्स एक्सट्रैक्शन एंड जेनेटिक जेनेसिस. एक्सट्रैक्टिव मीन्स माइंस, फिश एंड टिम्बर, अर्थ में से रिसोर्सेस को निकालना एक्सट्रैक्शन है. जेनेटिक मीन्स वॉट? जो है उसको डेवलप करो, रिप्रोड्यूस करो, एनिमल्स को रिप्रोड्यूस करवाएंगे और डेवलप करेंगे, दैट इज नोन एज जेनेटिक इंडस्ट्रीज. देन सेकेंडरी इंडस्ट्रीज इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव. मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड्स एनालिटिकल, एक प्रोडक्ट से बहुत प्रोडक्ट बनाना. सिंथेटिक, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक प्रोडक्ट बनाना. प्रोसेसिंग, एक ही प्रोडक्ट का प्रोसेस कर करके एक नया प्रोडक्ट बनाना. एंड लास्ट, असेंबली. डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स को असेंबल करके एक करके एक कोई सिंगल यूजेबल कमोडिटी बनाना, दैट इज कॉल्ड असेंबली. तो दिस वॉज ऑल अबाउट प्राइमरी इंडस्ट्रीज एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज भी बाकी है. कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री मीन्स, सिंपली मीन्स कंस्ट्रक्शन. वॉट टू कंस्ट्रक्ट? यू कैन कंस्ट्रक्ट रोड, यू कैन कंस्ट्रक्ट डैम्स, एंड यू कैन कंस्ट्रक्ट ब्रिजेस ऑल्सो. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर आएगी. नाउ थर्ड पार्टीज, टर्शियरी इंडस्ट्रीज क्या है? ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज को और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है. कैसे? ये उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है. कौन कौन से असिस्टेंस? असिस्टेंस नंबर वन, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए पैसे चाहिए, और ये पैसे कहां से आएंगे? ये पैसे आएंगे बैंक से. तो बैंकिंग इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री, बट टर्शियरी इंडस्ट्री. नंबर टू, आप अपने क्रॉप्स को, आप अपने इंडस्ट्रियल गुड्स को सेफ करके रखना चाहते हैं, तो ये सेफ गार्ड करने के लिए आप इंश्योरेंस करवाते हैं, तो इंश्योरेंस इज अगेन अ टर्शियरी इंडस्ट्री. देन आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बहुत बल्क अमाउंट में, या सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स आप एक गोडाउन में रख रहे हैं, और इस बड़े से गोडाउन बोलते हैं वेयर हाउसिंग. देन आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और आपका नाम सिर्फ एक टेलीकम्युनिकेशन पे होता है, और फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन यू नीड टू हैव कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज, दैट इज टेलीकम्युनिकेशन एंड वॉट एवर काइंड ऑफ कम्युनिकेशन यू यूज, इट इज अ टर्शियरी इंडस्ट्री. देन एडवर्टीजमेंट, जब तक एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा ये फोन वीवो का है, ओप्पो का है, कि रेडमी का है, कौन सा है? अब एडवर्टीजमेंट करना जरूरी है क्या? तो हाँ, आज के समय में जब टेलीकम्युनिकेशन का जमाना है, जब आपके पास टीवीज हैं, तो
एडवर्टीजमेंट करना बहुत जरूरी है. तो दैट वॉज ऑल अबाउट इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स: प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, टर्शियरी इंडस्ट्रीज. प्राइमरी इंडस्ट्रीज कंसर्न विद नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ समथिंग, और इट कैन बी कंस्ट्रक्शन, इट कैन बी मैन्युफैक्चर, और लास्ट टर्शियरी इंडस्ट्रीज सपोर्ट्स प्राइमरी इंडस्ट्रीज एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. तो दैट वॉज ऑल अबाउट द इंडस्ट्रीज सेक्शन. नाउ वी विल बी डूइंग व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स. आओ देख लेते हैं कॉमर्स. इंडस्ट्री तो बना ली, सामान तो प्रोड्यूस कर लिया, बट फायदा क्या? अनलेस एंड अंटिल द गुड्स डिड नॉट रीच टू द फाइनल कंज्यूमर, इट डू नॉट हैव एनी वैल्यू. तो ये कौन काम करेगा? दिस फंक्शन विल बी परफॉर्म्ड बाय कॉमर्स. कॉमर्स करता क्या है? तो कॉमर्स जितनी भी हिंड्रांसेस है, इट रिमूव्स ऑल द हिंड्रांसेस. नाउ व्हाट इज हिंड्रांसेस? रुकावटें. तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर तक पहुंचने का एक लौता राह है कॉमर्स का. ये कौन सा राह है? वी विल बी डिस्कसिंग इन द डिटेल, बट लेट अस डिस्कस ये कौन से रुकावटें हटा देता है. तो कॉमर्स रिमूव्स द हिंड्रांसेस लाइक द हिंड्रांसेस ऑफ प्लेस, जगह. प्रोड्यूसर कहीं और है, कंज्यूमर कहीं और है. प्रोड्यूसर का सामान जहां बन रहा है, कंज्यूमर को उससे कोई मतलब नहीं है. कंज्यूमर नीड्स द प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसकी वजह से प्लेस की रुकावट, हिंड्रांसेस ऑफ प्लेस विल बी रिमूव्ड. नंबर टू, पीपल. हिंड्रांसेस ऑफ पीपल. प्रोड्यूसर कौन है? पता नहीं. कंज्यूमर कौन है? पता नहीं. बट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तो सामान पहुंच जाना चाहिए. कैसे पहुंचेगा? ट्रेड के थ्रू. तो विद द हेल्प ऑफ ट्रेड एंड द ट्रेडर द गुड्स विल बी रीच्ड टुवर्ड्स कंज्यूमर. देन टाइम. राइस हमेशा नहीं उगता है. राइस को उगाने के लिए पर्टिकुलर सीजन है, एंड फॉर दैट पर्पस एक ही सीजन में राइस उगा लेते हैं, और उसे उगा के राइस को एक वेयर हाउस में जमा करके रख लेते हैं, ताकि पूरे साल आप राइस का डिस्ट्रीब्यूशन सब सिर्फ राइस ही नहीं, ऐसी हर वो चीज जो सीजनल है, जो हमेशा नहीं बनती है, जो हमेशा प्रोड्यूस नहीं होती है, उनको बना के वेयर हाउस में रख लो ना, पहुंचा देना जरूरत पड़ेगी तब. तो डिस्ट्रीब्यूशन द टाइम हिंड्रांस ऑफ टाइम विल बी रिमूव बाय वेयर हाउसिंग. देन एक्सचेंज. एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज का मतलब है मेरे पास पैसे नहीं है बट मुझे चाहिए, तो ये कौन मुझे दिलाएगा? ये मुझे दिलाएगा बैंक्स. बैंक विल बी प्रोवाइडिंग फाइनेंस एंड द फाइनेंस विल बी रिमूव द हिंड्रांस ऑफ एक्सचेंज. देन हिंड्रांस ऑफ नॉलेज. आई डू नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट एनी प्रोडक्ट. मेरे लिए सारे प्रोडक्ट वैसे ही है, काला अक्षर भैंस बराबर. तो व्हाट आई विल डू फॉर दैट? व्हाट आई विल डू? आई विल एडवर्टाइज. एडवर्टाइजमेंट देख देख के मैं चीजों के बारे में नॉलेज प्राप्त करूंगा. तो द हिंड्रांसेस ऑफ नॉलेज विल बी रिमूव्ड बाय एडवर्टाइजमेंट. एंड लास्ट, मुझे रिस्क का डर है. आई हैव फियर ऑफ लूजिंग द आर्टिकल्स, लूजिंग द कमोडिटी इन बिटवीन, इन ट्रांसिट. कोई चिंता नहीं, इंश्योरेंस है, परेशान क्या हो रहे हो? अगर चलता जहाज डूब गया तो भी इंश्योरेंस करवा कर रख लो. इट विल रिमूव द हिंड्रांसेस ऑफ रिस्क. तो कॉमर्स रिमूव्स व्हाट? कॉमर्स रिमूव्स हिंड्रांसेस ऑफ प्लेस, पीपल, टाइम, एक्सचेंज, नॉलेज एंड रिस्क बाय प्रोवाइडिंग यू ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, वेयर हाउसिंग, बैंक्स, एडवर्टीजमेंट एंड इंश्योरेंस. तो दैट वाज ऑल अबाउट द हिंड्रांसेस रिमूव्ड बाय द कॉमर्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉमर्स. तो कॉमर्स मींस व्हाट? कॉमर्स मींस ऑल दोज एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड टू रीच द गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर. फाइनल कंज्यूमर तक सामान पहुंचाने के लिए किया गया हर एफर्ट कॉमर्स है. कैसे? कॉमर्स इंक्लूड्स टू थिंग्स: ट्रेड और एड टू ट्रेड और ऑक्सिलियरी टू ट्रेड. ट्रेड का मतलब जानते हैं, हम तो पहले भी ट्रेड कर ही चुके हैं. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नोन एज ट्रेड. और जो ट्रेड को सपोर्ट करे वो ऑक्सिलियरी टू ट्रेड. ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए ये बनाए गए हैं. तो कॉमर्स के दो हाथ, पहला ट्रेड, दूसरा एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलियरी टू ट्रेड. ट्रेड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड. अपने देश के अंदर ट्रेड कर रहे हो, ये इंटरनल ट्रेड है. इंटरनल ट्रेड कैन बी ऑफ होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड. होलसेल मीन्स होलसेलर इज द पर्सन हु एक्ट एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच की जो ब्रिज है वो होलसेलर पूरी करता है. प्रोड्यूसर
घर घर जाकर तो कंज्यूमर को सामान नहीं बेचेगा ना, प्रोड्यूसर बल्क में सामान बेचेगा होलसेलर को, होलसेलर इन रिटर्न स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में रिटेलर को बेचेगा और रिटेलर अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचेगा। तो हु इज अ होलसेलर? होलसेलर इज अ पर्सन हु एक्ट एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, और इट कैन बी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर और रिटेलर। नाउ रिटेल ट्रेड क्या है? हमारे नुक्कड़ वाले जो राशन की दुकान है वो रिटेल ट्रेड है। हर वो ट्रेड, हर वो दुकान जो आपको फाइनली सामान बेच दे, डायरेक्ट सामान बेचे, वो रिटेल ट्रेड है। इन्होंने सामान खरीदा है होलसेलर से फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, एंड रिटेलर्स सेल द प्रोडक्ट्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर विदाउट एनी मिडिल मैन। तो होलसेल ट्रेड, पहले बात करते हैं इंटरनल ट्रेड जो हमारे देश के अंदर ट्रेड हो रही है। इंटरनल इंक्लूड्स होलसेल ट्रेड एंड इंक्लूड्स रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड मीन्स सेलिंग प्रोडक्ट टू द फाइनल कंज्यूमर परचेज फ्रॉम द होलसेलर, एंड होलसेल ट्रेड मीन्स बाइंग गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड सेलिंग टू द रिटेलर्स। दैट वाज ऑल अबाउट इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड मतलब हमारा व्यापार विदेशों के साथ। तो विद द फॉरेन कंट्रीज व्हाट वी डू थ्री थिंग्स। नंबर वन, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। इसको एंट्रीपोर्ट बोलो या एंट्रीपोर्ट बोलो, जो बोलना है बोलो, नो प्रॉब्लम्स। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मीन्स व्हाट? एक्सपोर्ट मीन्स सेंडिंग गुड्स आउटसाइड द कंट्री। देश के बाहर सामान भेजने को या देश के बाहर सामान बेचने को सेलिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री ट्रेडर टू अनदर कंट्री ट्रेडर इज नॉन एज एक्सपोर्ट। हम सामान बाहर भेजते हैं। इम्पोर्ट, हम बाहर से सामान मंगा रहे हैं। द टेक्नोलॉजी विच वी डू नॉट पजेस वी ब्रिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। तो इम्पोर्ट मीन्स ब्रिंगिंग और परचेसिंग गुड्स फ्रॉम आउटसाइड। तो बच्चों, एक्सपोर्ट मीन्स सामान बाहर भेजना, इम्पोर्ट मीन्स सामान बाहर से अंदर लेकर आना। ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करते हैं हम इंडिया वाले। देन नेक्स्ट एंट्रीपोर्ट। ये भी एंट्रीपोर्ट क्या है? एंट्रीपोर्ट का मतलब है आप इम्पोर्ट कर रहे हो एक्सपोर्ट करने के लिए। इंडिया क्या करता है? इंडिया बहुत सारे देशों में कार एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। कार के कंपोनेंट वो दूसरे देशों से इम्पोर्ट करता है और कार इंडिया में बना के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। तो एंट्री पोर्ट मीन्स वो इम्पोर्ट है जो आपने एक्सपोर्ट के लिए किया है। बाहर से चीजें यहां मंगाओ और यहां से फिर एक्सपोर्ट कर दो, दैट इज नोन एज एंट्री पोर्ट। तो ट्रेड मीन्स इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, रीसेल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड मीन्स एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या है? ट्रेडर्स को सपोर्ट देना है। हम लोग ये पढ़ चुके हैं वैसे भी इसी वीडियो में, टर्शियरी इंडस्ट्रीज की ही बात कर रहे हैं वैसे भी। ट्रेडर्स को सपोर्ट करना है, कैसे करोगे? उनको ट्रांसपोर्टेशन दो, इन ब्रांचेस ऑफ प्लेस हटा के उनको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दो। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कौन सी है? एयरवेज, वाटरवेज, रेलवेज एंड रोडवेज, पाइपलाइन भी है। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की व्यवस्था करके दो। दूसरा, बैंक्स, हमारे यहाँ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर के बहुत सारे बैंक्स इंडिया में अवेलेबल हैं जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों ट्रेड को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, इंश्योरेंस। आपको रिस्क है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप रिस्क पर हैं तो आप इंश्योरेंस करवा लो ट्रेडर्स के लिए। दूसरा, वेयर हाउस। अगर आपको लग रहा है कि आप प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा जमा कर चुके हैं तो उसके लिए किसी वेयर हाउस को रेंट पे लो या खुद बना लो और वेयर हाउस में सामान को डालो फ्यूचर में सेल करने के लिए। एंड लास्ट, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करो। जो दिखता है वही बिकता है, ध्यान रखना। तो दिस ट्रेड नीड्स सम एड्स, हेल्प, ऑक्सिलरी, एंड दीज ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स आर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग एंड एडवर्टीजमेंट। दीज ऑल ऑक्सिलरी टू ट्रेड वी विल बी गोइंग टू स्टडी इन डिटेल इन द चैप्टर नेम्ड एज बिजनेस सर्विसेस। सब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो चिंता मत करो, आपको इसकी पूरी डिटेल अगले अगले क्लास में लेंगे। फिलहाल इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में हम लोग इसको देख लेंगे। तो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियोज फॉर द फर्दर अपडेट्स ऑन बिजनेस स्टडीज क्लास 11, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।